ओके गाइस, लास्ट आपणे जोयुं हतुं फोल्डर स्ट्रक्चर इन एंड्रॉइड, बराबर। हवे आगळ जोईए आपणे। ओके, थोड़ा क्वेश्चन पूछी लो, बधाने याद छे के नहीं, है ना। हवे मने कहो कि रिसोर्स फोल्डर में शुं काम छे, आरईएस फोल्डर। बोलो। व्हाट इज द यूज ऑफ आरईएस फोल्डर? कौन कैसे के वाचित नहीं गाइस? व्हाट इज द यूज ऑफ मैनिफेस्ट फाइल? सेनो यूज थाय। मैनिफेस्ट फाइल नो यूज थाय। हाँ, इमेज अने एक्सेल फाइल तमे रिसोर्स में राखी शको। रिसोर्स नी अंदर पण फोल्डर छे, अलग अलग ड्रॉएबल छे, एमां इमेज राखी शकाय अने एक्सेल फोल्डर में एक्सेल फाइल तमे राखी शको छो। चलो, पछी जावा फाइल नुं शुं काम छे? जावा फोल्डर हाँ परमिशन आपी शकाय। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ जावा फोल्डर? बीजा बता ने हूँ गावे भाई। ઓકે હવે આગળ જોઈએ, બાકી બધા એ વાંચું લાગતું નથી। બધા વાંચી લેજો, પછી આગળ ખબર નહીં પડે કઈ કઈ આઈડિયા નહીં આવે, બરાબર। એટલે આપણે સારી રીતે ભણવું હોય તો હા, પેજ ક્રિએશન માટે। ચલો આગળ જઈએ, હવે હવે આપણે જોઈએ આગળ ડિઝાઇનિંગ પોર્શન। ડિઝાઇનિંગ પોર્શન એટલે કઈ રીતે? તો આપણે ફોલ્ડર સ્ટ્રક્ચર બધા જોયા, કયા ફોલ્ડરમાં શું હોય, બરાબર। હવે આની અંદર મારે પ્રોપર વેથી ડેટા અને ડિઝાઇન પ્રોપર વેથી વ્યૂ થવું જોઈએ, બરાબર। એ મારે અહીંયા ડિઝાઇન કરવાનું છે। એની પહેલાં સમજીએ આપણે કે ડિઝાઇન ફાઇલ ક્યાં હોય? ઓલવેઝ ઇન અ લેઆઉટ ફાઇલ। ક્યાં હોય? લેઆઉટ ફાઇલની અંદર, દેખાય છે અહીંયા। તો આની પહેલાં થોડું થિયરી છે, હજી સમજી લઈએ, એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે।
બરાબર. હવે જો અહીંયા સમજી થોડું થિયરી પોર્શન છે, સમજવા ખાલી સમજવા માટે છે. જો અહીંયા શું છે, એન્ડ્રોઇડ બિલ્ડિંગ બ્લોક્સ ઓફ એન્ડ્રોઇડ. શું છે અહીંયા, એન્ડ્રોઇડ બિલ્ડિંગ બ્લોક્સ, કોર બિલ્ડિંગ બ્લોક્સ. હવે એનો મતલબ શું થાય સમજો, કે કોર બિલ્ડિંગ બ્લોક્સનો મતલબ શું થાય, કે આપણે ચા બનાવી હોય તો ચા માટે શું જોઈએ, કઈ કઈ વસ્તુ જોઈએ ચા માટે, કોણ કહેશે? ચા પીધી છે ને બધાએ, કઈ વસ્તુ જોઈએ? બોલો, કોણ બોલશે? બરોબર. એટલે ચા બનાવવા માટે સામગ્રી જોઈએ આપણને બધાને, બરોબર. ભાઈ આમાં હિન્દી વાળા છે કોઈ? ગાઈસ હિન્દી વાળું છે કોઈ કે ગુજરાતી ચાલશે? ઓકે ઓકે. ચાય બનાને કે લીએ ક્યાં ચાહીએ વો સબ ચીજ આપકો પતા હૈ. તો એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન બનાના હૈ આપકો, તો ઉસકે લીએ પતા હોના ચાહીએ ના. તો જૈસે ચાય બનાને કે લીએ ચીની ચાહીએ, દૂધ ચાહીએ, હા ના, ચાય ચાહીએ, ગેસ ચાહીએ, उसको सेट करने के लिए कोई बाउल चाहिए, है ना. ये सब चीज़ आपको रिक्वायरमेंट है चाय बनाने के लिए. और ख़ास करके माचिस चाहिए, लाइटर चाहिए, है ना. सब चीज़ जो लाइटर ही ना हो तो, बराबर. तो ऐसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनानी है तो उसके लिए यहाँ पे अलग अलग चीज़ों का ज़रूरत पड़ती है. यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है जिससे एप्लीकेशन बनता है, तो उसमें यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे देखो एंड्रॉयड बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर पहला है हमारे पास एक्टिविटी. क्या है एक्टिविटी? स्क्रीन दिख रही है ना गाइस सबको? ओके चलो. तो एक्टिविटी क्या है? तो एक्टिविटी जो है वो पहला पेज है एप्लीकेशन का. किसका? द फर्स्ट पेज ऑफ एप्लीकेशन, सिंगल पेज. जो अभी एप्लीकेशन रन कर रहे हैं हम उसके अंदर एक ही पेज है अभी. यानी मान लो इसके अंदर मैं आपको बात करूं, यहाँ पे आप देख रहे हो उसका नाम है मेन एक्टिविटी. अभी एक ही पेज है हमारे पास, है ना. तो जो सिंगल पेज होता है, जो फर्स्ट एप्लीकेशन में पहले रन होता है ना, वो हमारा क्या होता है? एक्टिविटी होता है. अब एक्टिविटी में क्या होता है? एक आपका जावा फाइल होता है, यानी ये वाला फाइल, और उसका खुद का एक डिज़ाइन फाइल होता है. एक जावा फाइल और उसका खुद का एक डिज़ाइन फाइल, यानी दोनों कनेक्ट रहते हैं. कैसे कनेक्ट रहते हैं? देखो ये रहा आपका एक्टिविटी, उसमें आप देख करोगे, यहाँ पर चेक करोगे तो देखो उसका नाम लिखा है यहाँ पे, है ना, एक्टिविटी मेन है यहाँ पे. तो दोनों फाइलें क्या होती है? एक दूसरे से कनेक्ट रहती है. और जब आप उसको रन करते हो तब जावा कोड के साथ वो डिज़ाइन फाइल भी क्या करती है? रन करती है. यानी आपने बटन लिया है तो बटन का एक्शन कहाँ पर रखा होगा? जावा में. पर डिज़ाइन कहाँ पर रखा होगा आपने? XML के अंदर, यानी उसकी डिज़ाइन फाइल के अंदर. समझ में आया? नाउ दूसरा यहाँ पे है व्यू. क्या है? व्यू. तो व्यू का मतलब क्या होता है? यानी UI एलिमेंट्स. UI एलिमेंट्स का मतलब क्या है? कि आप यहाँ पे डिज़ाइन करोगे तो उसके अंदर आपको बटन मिलेगा, चेकबॉक्स मिलेगा, टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा. वो सब चीज़ें कौन प्रोवाइड करेगा? तो मेन आपका व्यू क्लास. कौन सा क्लास है ये? व्यू क्लास. ये सारे जितने भी कंट्रोल्स है सारे क्या है? सारे व्यूज हैं, है ना. उसके बाद यहाँ पे तीसरा है इंटेंट, है ना. क्या है इंटेंट? इंटेंट मीन्स क्या है? एक कंपोनेंट है जिसका मेन यूज़ क्या होता है? पेज को बदलने के लिए. किसके लिए? पेज को बदलने के लिए, है ना. यानी अगर आपको पेज चेंज करना है तो उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा? आपको इंटेंट यूज़ करना पड़ेगा. मान लो आपको एक पेज से दूसरे पेज में जाना है तो कौन ला के देगा? इंटेंट ला के देगा. कौन ला के देगा? इंटेंट. समझ में आया? वो कंपोनेंट है. फिर यहाँ पे देखो उसका काम क्या है. यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर नया पेज लॉन्च करना है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, पेज को लॉन्च करना है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई सर्विस बैकग्राउंड टास्क रन करना है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं.
फिर कॉन्टेक्ट लिस्ट आपका आता है ना, वो भी इंटेंट से आता है। फिर आपको बैटरी लो का मैसेज आता है, उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। फिर आप फ़ोन कॉल लगाते हो किसी को, तो वो भी इंटेंट से ही हो रहा है। तो इंटेंट के बिना काम हो नहीं सकता है, ठीक है। तीसरा है उसके अंदर सर्विस। अब सर्विस क्या है, जो बैकग्राउंड प्रोसेस चलता हो, जैसे मान लो आप डाउनलोडिंग करते हो, तो डाउनलोडिंग करने के बाद क्या करते हो, होम पेज दबा देते हो, फिर बैकग्राउंड में क्या है, डाउनलोड चलता रहता है। तो जादूगर तो है नहीं कि भाई उसको समझ आ जाएगा डाउनलोड करना है, तो उसको कौन समझाएगा, यहाँ पे सर्विस समझाएगा। तो सर्विस क्या है, एक कंपोनेंट है जिसका काम क्या है कि अगर आपका एप्लीकेशन बंद है फिर भी उसको काम दिया हुआ है हमने, किसके थ्रू, सर्विस के थ्रू, समझ में आया। उसके बाद है यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइडर। कंटेंट प्रोवाइडर का मतलब क्या है कि आपका डेटा दो एप्लीकेशन के बीच में शेयर करना है। क्या करना है, शेयर करना है। कैसे, कि मान लो आप फोटो खींचते हो ना, तो फोटो खींचते ही गैलरी में ऑटोमेटिक आ जाता है। कैसे आता है वो, कैसे आता है, तो वो आता है कंटेंट प्रोवाइडर से, है ना। जैसे आप कॉन्टेक्ट सेव करते हो ना, क्या सेव करते हैं हम, कॉन्टेक्ट। तो कॉन्टेक्ट सेव होता है फ़ोन के डेटाबेस के अंदर, पर फोन लिस्ट यानी फ़ोन डायरेक्टरी में आप देखते हो तो कॉन्टेक्ट लिस्ट में से डेटा आपको मिल जाता है। तो जो कॉन्टेक्ट है वो सिस्टम का डेटाबेस है, और कॉन्टेक्ट एप्लीकेशन है वो अलग है, दोनों डिफरेंट है। तो उसमें यहाँ पे क्या है, कंटेंट प्रोवाइडर की ज़रूरत पड़ती है, समझ में आया। ये नया कंपोनेंट है, इसको आप कंपोनेंट नहीं बोल सकते, पर एक कंपोनेंट के तौर पे यूज़ किया गया है, उसको आप कंपोनेंट नहीं गिन सकते। उसका रीज़न बता रहा हूँ आपको मैं, कि यहाँ पे आप जितने भी कंपोनेंट अभी हमने सीखे हैं, कौन कौन से, एक्टिविटी, इंटेंट, सर्विस, कंटेंट प्रोवाइडर एंड ब्रॉडकास्ट। एक ब्रॉडकास्ट रह गया है, बता देता हूँ, ब्रॉडकास्ट इसमें नहीं, फिर बताता हूँ आपको। पर ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है कि अगर आपकी प्रोसेस चल रही है, बहुत सारी प्रोसेस चल रही है, पर मैसेज आपको इम्पोर्टेंट डिस्प्ले करना है, जैसे मान लो बैटरी लो, तो वो होता है ब्रॉडकास्ट रिसीवर से होता है। कैसे होता है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर से होता है ना। तो ये जो कंपोनेंट हैं सारे के सारे, ये दिख रहा है आपको जितने भी कंपोनेंट हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी मैनिफेस्ट फाइल में होता है। क्या होता है, मैनिफेस्ट फाइल में होता है, इसलिए इसको कंपोनेंट बोलते हैं। यानी एंड्रॉयड एप्लीकेशन इतने चीज़ से बनती है, समझ में आया। चलो कौन समझाएगा मुझे, यस गाइस, यस, मैं यहाँ पे ओपन रख रहा हूँ, बोलो कौन समझाएगा। यस गाइस, हाँ बोलो, हाँ परफेक्ट, हाँ परफेक्ट, हाँ जील, एकदम परफेक्ट बोले तुम्हें, अरे नो कॉन्सेप्ट भी एग्जैक्ट, ग्रेट ग्रेट।
સો મેઇન શું છે, જો આમાં જેટલું ઇન્વોલ્વમેન્ટ તમારું રહેશે ને થિયરી પોર્શનની અંદર પ્રેક્ટિકલમાં, એટલું એન્ડ્રોઈડ છે ને બહુ ઇઝી બની જશે આપણા માટે. સો આપણે એટલા બધા ટોપિક ડિટેલમાં એક સાથે નહીં ચલાવતા, એક જ ચલાવીએ છીએ કે જેનાથી તમને એવરી ટોપિક ક્લિયર થાય. ગાઈસ ખબર પડે છે, હું એટલે છે ને બહુ ટોપિક એક સામતા નહીં ચલાવતો, એક ટોપિક ચલાવું છું કે એક ટોપિક બી તમને સારી રીતે ખબર પડી જાય આપણને, અને એનું પ્રેક્ટિકલ બી સારી રીતે થવું જોઈએ આપણે, બરાબર. સો ધ્યાન રાખજો હવેથી આગળ, જે લોકો નવા છે, જે લોકોને જલ્દી ખબર ના પડે, આમાં શું છે બધાનું માઇન્ડ એક જેવું ના હોય, કોઈને બે વખત વાંચવું પડે, કોઈને ત્રણ વખત વાંચવું પડે પણ આવડી જાય, બરાબર ગાઈસ. એટલે ડિમોટિવેટ નહીં થવાનું, એન્ડ્રોઇડના ક્લાસમાં એન્જોય કરવાનું. શું કરવાનું? એન્જોય, બરાબર. એન્ટરટેનમેન્ટની સાથે લર્નિંગ કરવાનું. સો હવે આપણે આગળ જઈએ. જો ખબર ના પડી હજી બી તમને, તો આપણે લેક્ચર પતે એટલે વિડીયો તમે શાંતિથી એકવાર જોઈ લેજો, એટલે બધી વસ્તુ દિમાગમાં ઉતરી જશે, બરાબર. ચાલો હવે આપણે આગળ જઈએ. હવે તમને થોડું ડિઝાઇનિંગ વિશે સમજાવી દઉં કે એકચ્યુઅલી શું, કઈ રીતે કામ થાય છે, કયા પેજમાં જઈને તમારું ડિઝાઇનિંગ કરવાનું છે, બધું ડિટેલમાં તમને શીખવાડી દઉં છું, બરાબર. તો પહેલાં તમે આ રીતે ફોલ્ડર છે તમારી પાસે એપ નામનું, એના પછી તમે ક્યાં જશો? રિસોર્સમાં જશો. રિસોર્સમાં જઈને પછી ક્યાં જશો? લેઆઉટ. લેઆઉટમાં ફક્ત ને ફક્ત ડિઝાઇન ફાઇલ સિવાય બીજું કંઈ હોય નહીં. લેઆઉટ ફાઇલ કે અંદર ઓનલી આપકી ડિઝાઇન ફાઇલ હી રહેગી, ઓર કુછ રહેગા નહીં. યાની લેઆઉટ ફાઇલ જબ ભી ઓપન કરો ફોલ્ડર, તો સમજ જાને કા કે યહાં પે ક્યા આયા? ડિઝાઇન આયા. તો યહાં પે હમારે પાસ ઇસ પેજ કે લિયે, યાની હમારી યે જાવા ફાઇલ કે લિયે ઉસકા એક ડિઝાઇન ફાઇલ હૈ, ઠીક હૈ. ઓકે, ના હવે જો ડિઝાઇન ફાઇલની અંદર પહેલાં અહીંયા લેફ્ટ સાઈડ જુઓ, તમે બાય ડિફોલ્ટ સિલેક્ટ કરવું છે કોમન. હવે કોમનની અંદર જો અહીંયા શું છે, ટેક્સ્ટ બોક્સ, ટેક્સ્ટ વ્યૂ, બટન, ઇમેજ વ્યૂ, રિસાયકલર વ્યૂ, ફ્રેગમેન્ટ કન્ટેનર, સ્ક્રોલ વ્યૂ અને સ્વિચ છે ને. હવે અહીંયા આપણી ડિઝાઇન ફાઇલ છે, અહીંયા તમારું ડિઝાઇન વ્યૂ છે. હવે લેફ્ટ સાઈડ બધા કંટ્રોલ છે, અલગ અલગ ટેક્સ છે, બટન છે, વિડજેટ છે, લેઆઉટ છે, કન્ટેનર છે, હેલ્પર છે, ગૂગલ છે, લેગેસી છે, બરાબર. હવે કઈ વસ્તુનો ક્યારે યુઝ કરવો એ આપણને આઈડિયા હોવો જોઈએ, તો એનો આઈડિયા હું તમને આપી દઉં છું, એટલે તમારે કોઈ ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી, બરાબર. સો યહાં પે મેઇનલી કોમન મેં જબ ભી આપ કોમન મેં જાઓ તો ઉસમે આપકો એક મિલેગા ટેક્સ્ટ વ્યૂ, દિખ રહા હૈ. અબ ટેક્સ્ટ વ્યૂ ક્યા હૈ તો આપકો પતા હોગા, એચટીએમએલ ફાઇલ કે અંદર એક લેબલ હોતા હૈ ના, ક્યા હોતા હૈ? લેબલ. તો યહાં પે એન્ડ્રોઇડ મેં લેબલ યાની ટેક્સ્ટ વ્યૂ હૈ. ક્યા હૈ? ટેક્સ્ટ વ્યૂ. લેબલ કા કામ ક્યા હોતા હૈ? સિર્ફ ડેટા કો દિખાના, ઉસકે અલાવા કોઈ કામ રહેતા નહીં હૈ. તો યહાં પે ભી અગર આપકો કુછ સ્ટેટિકલી ડેટા દિખાના હૈ જો ચેન્જ નહીં કરના હૈ બારંબાર, વૈસે સિનારિયો કે અંદર આપ ક્યા યુઝ કરોગે? ટેક્સ્ટ વ્યૂ યુઝ કરોગે. ક્યા યુઝ કરોગે? ટેક્સ્ટ વ્યૂ, બરાબર. તો યહાં પે અગર આપ ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ કર રહે હો ટેક્સ્ટ વ્યૂ, ક્યા કરના હૈ? સિલેક્ટ કરકે, એસે સિલેક્ટ કરકે સિર્ફ પકડ કે યહાં પે રખ દેના હૈ, હૈ ના. તો યહાં પે આપ રખોગે તો દેખો યહાં પે ટેક્સ્ટ વ્યૂ આ ગયા. અબ ઇસકો યુઝ કેસે કરના હૈ, ક્યા કરેંગે, ઇસકી પ્રોપર્ટી કૌન સી હૈ, સમજના પડેગા હમે થોડા. તો યહાં પે હમ સમજતે, યહાં પે આપકો તીન ટેબ મિલેંગે, દેખો રાઇટ સાઇડ કોર્નર, કોડ, સ્પ્લિટ એન્ડ ડિઝાઇન. યહાં પે આપ સ્પ્લિટ મેં જાઓગે તો યહાં પે આપકો દેખો ટેક્સ્ટ વ્યૂ કા કોડ મિલ જાયેગા ઓટોમેટિકલી, હૈ ના. આપકો કોડ કરને કી જરૂરત નહીં હૈ.
तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू का प्रॉपर्टी देखो आप, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। तो देखो यहाँ पे मेन है हमारा आईडी, क्या है आईडी, कि भाई उसका एक यूनिक आईडी दिया गया है सारे कंपोनेंट्स को। अगर दूसरा टेक्स्ट व्यू लेंगे तो उसका आईडी बनेगा टेक्स्ट व्यू टू। फिर यहाँ पे क्या है लेआउट विड्थ, और विड्थ का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको दो मिलेंगे, ग्रैप कंटेंट और एक आता है मैच पैरेंट। क्या आता है मैच पैरेंट, देखो आप एम ए लिखोगे ऑटोमेटिकली हिंट में आएगा, है ना, मैच अंडरस्कोर पैरेंट आया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ग्रैप कंटेंट देखो क्या कर रहा है, पहले देखो यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं कि जितना आपने टैक्स लिखा है ना उतना ही एरिया कवर कर लिया, और दूसरा मैंने लिया था यहाँ पे मैच पेरेंट, तो यहाँ पे क्या होगा पूरा एरिया कवर कर लेगा। देखो ले लिया मैच पेरेंट से क्या होगा पूरा एरिया, अगर साइज कम है तो भी पूरा एरिया कवर कर लेगा। मान लो टैक्स भी खाली लिखा है आपने बट बाकी का एरिया भी उसने क्या किया कवर कर लिया, तो उसको बोलते हैं हम मैच पैरेंट। किसको, विड्थ को हमने मैच पैरेंट दिया, हाइट को क्या है ग्रैप कंटेंट, कि भाई उसका हाइट जितना कवर है उतना ही। इसको भी आप मैच पैरेंट दोगे ना तो क्या करेगा पूरी स्क्रीन कवर कर लेगा। देखो यहाँ पे ले लिया पूरा स्क्रीन, अब इसके अंदर आप कुछ नहीं ले सकते क्योंकि पूरा स्क्रीन किसने कवर कर लिया है, ये टेक्स्ट व्यू ने, है ना। तो हाइट ऑलवेज क्या रखने की, उसकी ग्रैप कंटेंट ही रखने की, है ना, ताकि दूसरे कंट्रोल यहाँ पे नीचे आ पाए आराम से, है ना। तो यहाँ पे हम पहले समझेंगे डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स, डिजाइनिंग। तो डिजाइनिंग समझने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक टैब है लेआउट करके, कौन सा टैब है लेआउट। अब डिजाइनिंग समझने से पहले यहाँ पे समझो कि जब आप स्प्लिट में जाओगे या कोड में जाओगे तो इसमें ऑलरेडी एक लेआउट लिया होगा जिसका नाम है कंस्ट्रेंट लेआउट। कौन सा है कंस्ट्रेंट लेआउट, यहाँ पे आप चेक करोगे ना, यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट आपको एक कंस्ट्रेंट लेआउट मिलेगा। ये क्या है पेरेंट लेआउट है, क्या है पेरेंट लेआउट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं पेरेंट लेआउट। पेरेंट लेआउट, सो पेरेंट लेआउट जो है मेनली उसके अंदर आप कुछ भी लेते हो तो उसका जो बिहेवियर है उस हिसाब से काम करेगा, है ना, उस हिसाब से क्या करेगा पूरा वर्कआउट करेगा। अब यहाँ पे देखो कंस्ट्रेंट लेआउट जो है उसका जैसा बिहेवियर है उसका जैसा बिहेवियर है यहाँ पे, तो बिहेवियर के अंदर कैसा काम करेगा ये, तो कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर जो वर्क कर रहा है यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट वो कैसे काम करता है, तो ये जो कंस्ट्रेंट लेआउट है उसमें सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे के रेफरेंस आईडी को क्रिएट करके सेट करते हैं। यस क्या हुआ, क्या करते हैं यहाँ पे सारे पेज को क्रिएशन करते हैं ना, तो कैसे करते हैं, तो यहाँ पे ये जो कंस्ट्रेंट लेआउट है ये पेरेंट लेआउट है ना, क्या है पेरेंट लेआउट। अब इसके अंदर हम कोई भी नया लेआउट यहाँ पे लेआउट में जाकर कोई भी नया लेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये बन जाएगा आपका चाइल्ड लेआउट, क्या बन जाएगा चाइल्ड लेआउट। तो पेरेंट क्या हुआ यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट, और उसके बाद बना यहाँ पे लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल, ये हुआ चाइल्ड लेआउट, क्या हुआ चाइल्ड लेआउट, है ना। तो कैसे कौन सा लेआउट कब लेना है वो पहले समझ लेते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आपका पेरेंट लेआउट कंस्ट्रेंट है, उसके बाद कौन कौन से लेआउट है देखो, उसके बाद यहाँ पे लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल, लीनियर लेआउट वर्टिकल,
फ्रेम लेआउट, टैब लेआउट, टेबल रो एंड स्पेस। कौन सा है? स्पेस, बराबर। तो यहाँ पे मेनली जो आपका मेन लेआउट है वो कंस्ट्रेंट के अलावा कौन सा ऐसा लेआउट है जो आपको यूज़ करना है, तो बाकी लेआउट के बारे में आपको पता होना चाहिए, तब आप उसका यूज़ कर पाओगे, बराबर। तो उसके बारे में आपको समझा देता हूँ मैं। तो पहला यहाँ पे है हॉरिजॉन्टल। क्या है? हॉरिजॉन्टल। अब ये हॉरिजॉन्टल क्या है, तो इसमें आप जो भी चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ना वो हॉरिजॉन्टली यानी ऐसे राइट 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 ऐसे स्टोर होगा। देखो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ हॉरिजॉन्टल, तो इसमें कंट्रोल कैसे लेगा? देखो यहाँ पे कॉमन में बटन ले रहा हूँ मैं खाली, देखो ऐसे स्टोर करेगा। आ गया, देखो तीन आ गए। कैसे लेना है? हॉरिजॉन्टल, बराबर। उसके बाद आता है यहाँ पे वर्टिकल। वर्टिकल में कैसे होगा? वर्टिकल में यहाँ पे पूरा वर्टिकल ही आएगा ऐसे, बराबर। देखो आया। तो अब यहाँ पे हमें पता चल गया भाई लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल और लीनियर लेआउट वर्टिकल में क्या डिफरेंस है। तो हॉरिजॉन्टली कैसे अरेंज करेगा? हॉरिजॉन्टली राइट 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 अरेंज करेगा, वर्टिकली पूरा पेज वर्टिकली जाएगा ऐसे टॉप टू डाउन। वो कैसे होता है? लेफ्ट टू राइट होता है ना। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे एक डिज़ाइनिंग हम बनाते हैं, जो बनाएंगे हम यहाँ पे एक लॉगिन पेज, यहाँ हम बनाते हैं रजिस्ट्रेशन पेज। क्या बनाएंगे हम? रजिस्ट्रेशन पेज। तो रजिस्ट्रेशन पेज कैसे बनता है, कैसे आपको यूज़ करना है, बोलो पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन पेज बनाने के लिए हम थोड़ा डिज़ाइनिंग यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे देखो एक कर्व शेप ले लेता हूँ मैं, एक शेप ले रहा हूँ ना, शेप अच्छा है ना, इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। अब क्या करना है, देखो जो इमेज है ना आपके पास इसको कॉपी करो, और जैसा मैंने आपको कल सिखाया था ड्रॉएबल फोल्डर में इसको पेस्ट कर दो। अब जैसे ही आप पेस्ट करोगे पूछेगा भाई कौन से फोल्डर में रखना है, तो यहाँ पे ड्रॉएबल, यहाँ पे और कोई नाम दे दो, ए नाम दे रहा हूँ, है ना। अब नाम कंपलसरी स्मॉल में होना चाहिए, ध्यान से सुनना, नाम कंपलसरी स्मॉल में, अंडरस्कोर होना चाहिए, सॉरी स्पेस नहीं होना चाहिए, अगर अंडरस्कोर रखना है तो रख सकते हो, कैपिटल तो कंपलसरी नहीं होना चाहिए, बराबर। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लीनियर लेआउट वर्टिकल ले रहा हूँ, पहले वर्टिकल लिया यहाँ पे। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, एक इमेज चाहिए, तो उसके लिए देखो यहाँ पे कॉमन में इमेज व्यू है, यहाँ पे इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो इमेज रखने के लिए आपको ऑप्शन देगा, आया।
आ गया इमेज। अब इमेज को जैसे यहाँ पे आप जाओगे चेक करने तो यहाँ पे देखो इमेज का टैग आ गया। तो अब मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ स्केल टाइप फिट एक्स वाई, आ गया फिट। और पर अभी भी कहीं ना कहीं स्पेस आजू बाजू है ना, सो ये इमेज प्योर पीएनजी नहीं है, तो इसलिए मैं दूसरी इमेज ले रहा हूँ। आएगी इमेज, आएगी ना प्योर सेट थे गए यहाँ। अब एक प्रॉपर्टी आप ली थी स्केल टाइप फिट एक्स वाई, शू करें आजू बाजू जो वाइट स्पेस हो ना ये आपको रिकवर कर ले बराबर। अब एना पची अँ टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू नी अंदर आप लेबल जो है ना, लेबल कीधु मैं तमने हमें तो कहवाय लेबल। तो अहीं टेक्स्ट व्यू माटे अहीं यूज करू छू, टेन आपी दऊं छू अहीं रजिस्ट्रेशन ना। तो टेक्स्ट व्यू नी प्रॉपर्टी कई छे अहीं टेक्स्ट प्रॉपर्टी दिखाय छे, एम ओसी लखी मैं रजिस्ट्रेशन। तो अहीं जो रजिस्ट्रेशन लखाई जशे लखाई गयू, हवे एनी साइज वधारी छे मारे। तो अहीं शुं आवशे प्रॉपर्टी टेक्स्ट साइज, आई गयू टेक्स्ट साइज। साइज तमे आपो मान लो अहीं 30, पछी तमने ए बधा कैलक्युलेशन आपे छे ना। तो टेक्स्ट साइज माटे ऑलवेज एसपी यूज करवानो, शुं यूज करवानो एसपी, एटले एनो फूल फॉर्म छे स्केल पिक्सेल। पछी तमारे नाम सेंटरमां जोईए है ना, तो शुं यूज करवानो अहीं ग्रेविटी, शू प्रॉपर्टी आवशे ग्रेविटी सेंटर। आई गयू सेंटर, आई गयू सेंटर। हवे अहीं टेक्स्ट स्टाइल आप कुछ बना इसको कुछ टेक्स्ट स्टाइल यहाँ पे तो बोल्ड है कि बोल्ड बराबर। और एना पछी अहीं तमारे जो ये टेक्स्ट बॉक्स है ना, तो ये टेक्स्ट में जैसे ना टेक्स्ट बॉक्स में जो प्लेन टेक्स्ट आयु, तो अहीं प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड पछी अहीं बटन બરોબર, અહીંયા નેમ અને પાસવર્ડ, પછી એક લઈ લઈએ મોબાઈલ નંબર હે ને, ઓકે। તો પછી શું આવે કે ભાઈ ઓલરેડી રજીસ્ટર છે તો એક ટેક્સ્ટ વ્યૂ લઈ લઈએ, શેના માટે કે ભાઈ ક્લિક ટુ લોગ ઇન હે ને,
बराबर। हवे अहीं छे ने जो नेम देखाय छे तो तमे छे ने अहीं हिंट सेट करी शको। शुं सेट करी शको? टेक्स्ट ने क्या हिंट, तो भाई एंटर नेम। એટલે હિન્ટમાં શું હોય કે જ્યારે યુઝર ટાઈપ કરે ને ત્યારે આ લખેલું જતું રહે, દેખાય છે એન્ટર નેમ, પછી એવું હિન્ટ આપણે અહીંયા સેટ કરી દઈએ પાસવર્ડની અંદર, એન્ટર પાસવર્ડ, પછી અહીંયા એન્ટર મોબાઈલ, અહીંયા શું લખી દેવાનું, રજિસ્ટ્રેશન, બરાબર ને? અહીંયા શું આવે, ઓલરેડી રજિસ્ટર્ડ, ક્લિક ટુ લોગિન, બરાબર? ग्रेविटी राइट, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड, टेक्स्ट साइज 20 SP, बराबर થઈ ગયું? હવે એક બધું બરોબર છે, પણ શું છે એમાં કલર મેચ નહીં ખાતા ને, શું કરવાનું અહીંયા? તો જો એક વેબસાઇટ છે કલર ફ્રોમ ઇમેજ, હવે તો લેવાનું અહીંયા બ્રાઉઝ કરી લો, ડેસ્કટોપ પર પડી જશે ઇમેજ, એનો કલર કોડ અહીંથી લઈ લો, હા ને, આપણને અહીંથી કલર કોડ મળશે એનો। હવે શું છે અહીંયા, ટેક્સ્ટ કલર, આવી ગયો? હવે શું છે હિન્ટ છે, તો હિન્ટ કલર આવવો જોઈએ, ટેક્સ્ટ હિન્ટ કલર આવી ગયો, હિન્ટ કલર કલર, બરાબર? હવે શું બાકી, બટનનો કલર, બેકગ્રાઉન્ડ ટિન્ટ, પછી એનો ટેક્સ્ટ કલર, ટેક્સ્ટ કલર આવશે અહીંયા, આમાં હિન્ટ નહીં આવે, બરાબર? હવે શું કરવાનું, અહીંયા થોડી સ્પેસ જોઈએ મારે, હે ને, બાજુબાજુ મને સ્પેસ જોઈએ, આજુબાજુ ક્યાં જઈએ અમે, આપણે સ્પેસ જઈએ, તો ઉસકે લીએ આપણે ક્યાં, इसको बोलते हैं मार्जिन। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, जो प्रॉपर्टी आती है हमें मार्जिन आया ना, तो मार्जिन में यहाँ पे दे रहा हूँ मैं 10। मार्जिन क्या करेगा, चारों साइड से 10 dp कवर करेगा। साइज के लिए dp यानी डेंसिटी पिक्सल, तो यहाँ पे देखो सब में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 10 dp दे रहा हूँ, देखो गाइस, है ना, पूरा जो लाइव एप्लीकेशन बनाते हैं उसमें जो पेज बनता है ना, उस तरीके का बन गया, देखो, है ना, समझ में आया गाइस? पता चला गाइस सबको कैसे बनाना है? ओके, तो आपको मुझे, हाँ चलो समझ लो, अभी आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा, बराबर? समझ लो, अगर मुझे टेक्स्ट की साइज देनी है ना, तो SP, बाकी सब जगह पे DP, समझ में आया क्या? क्या बोला,
डीपी, यस, डेंसिटी पिक्सल, टेक्स्ट साइज, यानी अगर उसमें अभी आप डीपी यूज़ करोगे तो एरर तो नहीं आएगा, पर यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट साइज को अंडरस्टैंड करने के लिए एसपी की ज़रूरत पड़ती है, एसपी यानी स्केल पिक्सल। अब ये कैसा काम हुआ पता है, भाई मुझे 1 किलो दूध दो, यहाँ बोलते हो 1 लीटर दूध दो, क्या बोलते हो, क्या बोलते हैं हम, पर किलो बोलेगे, किलो बोलोगे तो नहीं देगा वो, पर समझने में समझो कि जिसको जो बोला जाता है वो वहां पे यूज करना है ना, तो ये वो चीज है कि टेक्स्ट साइज ऑलवेज इन एसपी, बाकी सब जगह पे डीपी। अब ये डीपी एग्जैक्टली है क्या समझो, तो आपका जो फ़ोन स्क्रीन होता है ना वो पिक्सल से बना होता है, आपको आइडिया होगा है ना, तो जितना फ़ोन आप हैवी यूज़ करोगे उसकी स्क्रीन हैवी क्लियर होगी है ना, क्लियर होती है ना, तो पिक्सल से क्या होती है, बनती है। तो अगर मान लो आपने यूज़ किया है 20 dp, तो डेंसिटी पिक्सल यानी 20 पिक्सल को कवर करने के बाद 1 पिक्सल बनेगा, समझ में आया, तो उतना क्लियर होगा बटन। बाकी जो लो डिवाइसेस रहते हैं उसमें क्या होता है, पिक्सल साइज कम होती है तो बटन आपको बड़ा बड़ा दिखेगा, समझ में आया, तो वो डेंसिटी पिक्सल के हिसाब से काम करता है। क्लियर गाइस, ओके ठीक है, तो आपको इसके ऊपर से मुझे लॉगिन पेज बना के दिखाना है, और ये लॉग रजिस्ट्रेशन पेज तो आपको बनाना ही है। क्लियर गाइस, ठीक है, मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ। हाँ झील बोलो, कोई आओ, हाँ वो उसके बाद का लेआउट है, ये वाला लेआउट आएगा, फ्रेम लेआउट जो आप बोल रहे हो ना वो फ्रेम लेआउट में आएगा, कि कोई एक बैकग्राउंड पिक्चर है उसके ऊपर मुझे कुछ लिखना है ना, तो वो फ्रेम लेआउट से होगा, बराबर, ठीक है। ये जय अभी आया, ठीक है, मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ।